बाइक ने पहला ट्रबल दिया बैरिंग तोड़ के, कल सर्विस होके आया था गाड़ी, अभी उसके वो रिपेयर करके जस्ट निकला, नाश्ता वास्ता करके बैठा, जस्ट निकला और तुरंत देखा तो गाड़ी पंचर है। अभी पंचर ढूंढते ढूंढते 5-6 किलोमीटर आया, पंचर निकाल रहा है। अभी एंड ऑफ द डे मैकेनिक हम मेरे को ही बनना पड़ा, क्योंकि इधर पंचर वाला भी निकालने तैयार नहीं था। मैं खोल के दिया, अभी पूरा रीफिट करना है। ऐसा ही हमारा ट्रिप का वाट लग गया है। अब कब गोवा पहुँचेगा कुछ आइडिया नहीं है। പ്രാർത്ഥിക്കണേ എന്ത് ബൈ പോവാമേ बदलापुर MEMC ग्रुप के साथ में, तो छोटा ग्रुप है। अभी हम लोग एक्चुअली पांच बाइक्स फिक्स थे, जिसमें से दो बाइक अर्ली मॉर्निंग का प्लान में निकल गए। तो अभी हम लोग 3 ही बाइक है और 5 लोग हैं। हम लोग अभी निकले हैं बदलापुर से, अभी बजा है 4:59। बदलापुर से छूटे हैं हम लोग और जा रहे हैं गोवा स्वागत, और जहाँ पे राइडर मेनिया का इवेंट हो रहा है, राइडर मेनिया 2019। और अभी लीड पे मैं है, मेरे साथ मेरे पीछे है हर्षल, हम लोग तीनों हिमालयन है, हर्षल है, हर्षल के साथ शुभेच्छा है, और उसके पीछे है शाइजू, शाइजू के साथ मैडी है, और सी ऑफ करने के लिए हमको यश आया हुआ है। अभी सवारी निकला है गोवा के लिए। आज का डेस्टिनेशन 500 किलोमीटर के रेंज में है। किलोमीटर्स जाना है और 11 आवर 19 मिनट्स का जर्नी है, जिसमें से थोड़ा बहुत अभी फिर हमारा लंच टाइम स्नैक्स ये सब में भी जाएगा। चलो अभी जो भी है वाया पुणे, पुणे जल्दी क्रॉस करना है ताकि ट्रैफिक का टाइम निकल जाए। बाकी कुछ आगे जाके देखते हैं। बहुत गोवा निकल रहा है यार यहाँ पर। अभी तीनों एक साथ इसको वापस बोले एक और निकाल ले तीनों लाइन में रहे। वेव मत करो, चलो भागो। गोबल मार रहा है अभी एयर प्रेशर। हाँ, अरे
एयर प्रेशर चेक किया? हाँ। कितना है? हाँ? सत्यजीत सातारा पहुंच गए। रास्ता सातारा वाला रास्ता थोड़ा खराब है, सुना? हाँ। सुनाई दे रहा है ना? हाँ। सातारा वाला रास्ता थोड़ा खराब है। हाँ। तो जितना जल्दी हो सकता कवर करने को बोल रहे हो। डाइवर्जन है, मैं जाने के टाइम इतना नहीं था बट अभी ज़्यादा है बोला डाइवर्जन, और डाइवर्जन से उसकी वजह से ज़्यादा रास्ता खराब है। क्या हुआ? क्या है? अरे बाप रे, तो तुम लोग वो सीधा वाला रूट ही लिया है ना? वो सीधा वाला रूट लिया है ना? वही अंदर में सीधा वाला रूट लिया है ना? हाँ रुको, मैं आ रहा उधर। आया आया। क्या हुआ? क्या मैं सुबह बोला ना वॉबलिंग हो रहा है? हाँ, रेयर रेयर बेयरिंग है। इधर था मेरे पास, किधर है? स्पीड में आ रहा था। नहीं इधर है, इधर नियर बाय रॉयल एनफील्ड। हाँ, फाइनली घर से निकल के खाली 42 किलोमीटर हुआ है। बहुत तकलीफ सहन किया, बहुत सारा प्रॉब्लम्स था, सब ओवरकम करके हम लोग अभी हाईवे चढ़ गए। तकलीफ क्या हो गया पूछेगा तो, जो मेरे आगे जो बाइक जा रहा है वो बाइक का कल सर्विस होके आया था गाड़ी, तो बाइक में क्या कर रहा है भाई, कल सर्विस होके आया था वो गाड़ी, और
गाड़ी का बैरिंग का इशू हुआ, रेयर बैरिंग टूट गया था, गाड़ी प्रॉब्लम दिया। हाँ डन, भगा भगा। बैरिंग का इशू देने के बाद गाड़ी फिर हमने चौक से पनौती पे पनौती लगा हुआ है यार। शुभेच्छा को कॉल कर। बाइक ने पहला ट्रबल दिया बैरिंग तोड़ के, कल सर्विस होके आया था गाड़ी, अभी उसके वो रिपेयर करके जस्ट निकला, नाश्ता वास्ता करके बैठा, जस्ट निकला और तुरंत देखा तो गाड़ी पंचर है। अभी पंचर ढूंढते ढूंढते 5-6 किलोमीटर आया, पंचर निकाल रहा है। अभी एंड ऑफ द डे मैकेनिक हम मेरे को ही बनना पड़ा, क्योंकि इधर पंचर वाला भी निकालने तैयार नहीं था। मैं खोल के दिया, अभी पूरा रिफिट करना है। ऐसा ही हमारा ट्रिप का वाट लग गया है। अब कब गोवा पहुँचेगा कुछ आइडिया नहीं है। पंचर, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, नया टायर होते हुए पंचर हुआ है। साढ़े छः बजे से तामझाम चालू है गाड़ी का। से गाड़ी का पहला बैरिंग टूटा, बैरिंग रिपेयर किया, उसके बाद पंचर हुआ, पंचर किया, फिर वापस बैरिंग टूट गया। अब रात का बजा हुआ है 1:18, मतलब करीब 1:30 बजे हमको, 6:30 बजे हमारा प्रॉब्लम हुआ था। ढूंढ ढूंढ के RSA का सपोर्ट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, और 1:18 को हमारा गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। अब इसके बाद अभी राइड कंटिन्यू करना है। अब जो हिमालयन पे जो काम कर रहा है वो कोई रॉयल एनफील्ड मैकेनिक नहीं है, लोकल मैकेनिक ने सोल्यूशन करके दिया।